नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ, जो आने वाले यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यानी यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से 25 पे सही करने ही होंगे। अगर आप 37 में से 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने पे सही किए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने का इसे आपको अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए कितनी है। और आज के इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का, तो आप सभी लोग, मुझे विश्वास है आप सभी लोग हमारे इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे और आज के इस वीडियो को 100 लाइक ज़रूर पहुँचा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 221 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने कि पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो कौन सी आती है, तो इनमें से आती है कन्नौजी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो बताइएगा कि इनमें से कौन परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन और बताइएगा, तो ये हो जाएगा वह बहुत थक गया है, ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोयुग का संधि विच्छेद है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा मनोयुग शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो मनायुग का संधि विच्छेद हो जाएगा, मनहा प्लस योग, ये मनोयोग का संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है, तो क्या रूप हो जाएगा प प्लस अन को संधि युक्त बनाने पर, तो ये हो जाएगा पावन, कौन सा पावन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने इनमें से कि निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटी, तो बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, तो कौन सा है, तो इनमें से अशुद्ध है सन्यासी, कौन सा है सन्यासी अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी लिखा जाता है साप बिंदु हो जाएगा और यासी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है, तो बताइएगा कि इनमें से किस वाक्य में भविष्यकाल है, तो हो जाएगा भविष्यकाल हो जाएगा किस में, बताइएगा किस में भविष्यकाल है, तो ये हो जाएगा मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ये भविष्यकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बादशाह का, ये आपको बताना है, तो बादशाह का स्त्रीलिंग हो जाएगा बेगम, कौन सा बेगम हो जाएगा बादशाह का स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, तो इनमें से आग, आग ये एक वचन में हमेशा प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली शब्द नहीं है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा है जो पुर्तगाली शब्द नहीं है, तो आफत, आफत ये पुर्तगाली शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द है, तो कौन सा है प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द, ये आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा प्रसिद्ध का समानार्थक, तो प्रसिद्ध का समानार्थक हो जाएगा प्रख्यात, कौन सा प्रख्यात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनौती का समानार्थक शब्द है, तो बताइएगा कि इनमें से चुनौती का समानार्थक शब्द कौन सा है। तो चुनौती का समानार्थक शब्द हो जाएगा ललकार। कौन सा? ललकार, ये चुनौती का समानार्थक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कुंदन का समानार्थक शब्द है, तो कौन सा है कुंदन शब्द का समानार्थक? तो कुंदन शब्द का समानार्थक हो जाएगा सोना। कौन सा? सोना, ये कुंदन शब्द का समानार्थक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर जारा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो इसका सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? जर जारा शब्द का, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दौलत थोड़ा सा। दौलत आगे वाले जर का अर्थ होता है दौलत, पीछे वाले जर का अर्थ होता है थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मलिन का विलोम शब्द है, तो मलिन का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो मलिन का विलोम शब्द होता है स्वच्छ। कौन सा? स्वच्छ होता है मलिन का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यास का विलोम शब्द है, तो ब्यास का विलोम शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो ब्यास का विलोम शब्द हो जाएगा समास। कौन सा? समास हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जुड़ा और जुड़ा शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इस युग का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जुड़ा और जुड़ा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा संलग्न और केशों का बंधन। क्या? संलग्न और केशों का बंधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्न में से एक अर्थ है, तो बताएगा इनमें से कुंडली का एक अर्थ क्या हो जाएगा? तो इनमें से कुंडली का एक अर्थ हो जाएगा इमरती। कौन सा? इमरती, ये कुंडली का एक अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न क्या 25 से 27 तक के लिए, नीचे एक शब्द दिया गया, दिए गए विकल्प में से आपको शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग ज्ञात करना है। तो आपको 25, 26, 27 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग आया है। तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो विज्ञान में उपसर्ग है बी। कौन सा है? विज्ञान में बी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने चिरायु, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? तो चिरायु में उपसर्ग है चिर। कौन सा है? चिर उपसर्ग है चिरायु में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनत, तो अवनत में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो अवनत शब्द में उपसर्ग है अब। कौन सा है? अब उपसर्ग है अवनत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये चतुरानन है। ये चतुरानन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, ये होता है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सा है जो मिश्र वाक्य है? तो कौन सा है? तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा जेहूं युवा घर से निकला वर्षा होने लगी, ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 30 एवं 31 के लिए, वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो, यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो एक साथ आपको पांचों क्वेश्चन विकल्प पढ़ने, उसके बाद आपको बताना है कि किस शब्द में त्रुटि है। सरयू नदी तट में अयोध्या नगरी बसी हुई है त्रुटि रहे, तो बताइए इसमें किस में त्रुटि है? तो इसमें त्रुटि हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी में, तट में नहीं होगा, तट पर होना चाहिए। सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी बसी है त्रुटिपूर्ण, तो ये तट की जगह पर हो जाएगा तट पर, तट पर। अगला आपके सामने कि इस शब्दावली, तो बताएगा कि इसमें किस में गलत है? इस शब्दावली को अधिक उपयोग और सार्थक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं, त्रुटि रहित है। तो
इस शब्दावली को अधिक उपयोग नहीं उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किएगा। तो यहाँ उपयोग की जगह पे उपयोगी शब्द आएगा तो सही अर्थ निकल रहा है, आप भी अर्थ निकाल चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने अंधविश्वास का तात्पर्य है, तो बताइए अंधविश्वास से क्या तात्पर्य है। तो अंधविश्वास से तात्पर्य है कि बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, क्या बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सब जानता हो उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो सब जानता हो तो उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ, क्या सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए, तो इसमें कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है कि उससे पत्र लिखा जाएगा। तो इसमें कौन सा वाक्य वाच्य है, तो इसमें वाच्य हो जाएगा आपका कर्म वाच्य, कौन सा कर्म वाच्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब श्रमिक को उसका उचित, यहाँ पर डॉट डॉट निशान लगा लिया आपको, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि जब श्रमिक को उसका उचित डॉट डॉट मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो पाएगी। तो क्या मिलेगा श्रमिक का, तो श्रमिक का मिलना क्या मिलता है, तो यहाँ पर श्रमिक का मिलना चाहिए उसे अधिकार, क्या अधिकार मिलना चाहिए श्रमिक का, तभी समाज में सुख शांति स्थापित होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आँख न दीदा काले कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ ये आपको बताना है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीख ही भरना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस रस को रसराज कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है रसराज ये आपको बताना है। तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को, किसे श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंबर का समानार्थी शब्द है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा है जो अंबर शब्द का समानार्थी है। तो अंबर शब्द का समानार्थी हो जाएगा आकाश, कौन सा आकाश, ये अंबर का समानार्थी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि मंतव्य के कुछ समानार्थी दिएगा, इनमें से एक मंतव्य का समानार्थी नहीं है उसे चुनिए, तो मंतव्य का समानार्थी कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो मंतव्य का समानार्थी ध्येय नहीं होगा, कौन सा ध्येय नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके छोटे भाई बहन भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएँ और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों।